हेलो गाइस, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। पिछले वीडियो का हम लोग का टॉपिक था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें जो हमने बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जाना था, और साथ में पिछले वीडियो में हमने ये भी जान लिया था कि एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, और एथनिक ग्रुप किस बेसिस पे बनते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, यहाँ जो श्रीलंका का जो एथनिक ग्रुप है वो किस बेसिस पे बना है, लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बता दिया था कि एथनिक ग्रुप कौन कौन से बेसिस पे बनते हैं, तो यहाँ पे जो श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप बना है ये लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बेल्जियम में जो एथनिक ग्रुप बना था वो किस बेसिस पे बना था, ठीक है, जो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ एशिया में लोकेटेड है। अक्सर अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो उस इंडिया के जो है साउदर्न पार्ट में आपको श्रीलंका का भी जो है कुछ पार्ट दिख जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका का ये मैप हो गया। अब देखिए, अब श्रीलंका में जो है दो एथनिक ग्रुप है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो यहाँ पे दो लैंग्वेज ग्रुप है, ठीक है, कौन कौन से। पहला है सिन्हाला स्पीकर्स, दूसरा है तमिल स्पीकर्स। अब देखिए, जो सिन्हाला स्पीकर्स है तो ये 74% इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और जो तमिल स्पीकर्स है इनकी जो है पॉपुलेशन 18% है। देखिए, अब यहाँ पे तीन टाइप के जो है लोग रहते हैं, पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स, सिन्हालाज और इंडियन तमिल्स। अब देखिए, अब जैसे कि आपको ये जो येलो कलर का जो ये जो लैंड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन रहते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं, यानी कि वो लोग जो कि सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। और जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन है, ये श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, जो कि तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन वो श्रीलंका के ही हैं। और थर्ड नंबर पे जैसे कि आपको यहाँ पे ब्राउन जो दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन रहते हैं, इंडियन तमिल्स रहते हैं, यानी कि बोलते तो ये भी तमिल लैंग्वेज ही है लेकिन ये इंडिया के हैं। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे दो लैंग्वेज ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे तीन टाइप के लोग कैसे हो गए, ठीक है। तो तीन टाइप के लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे, तो जो श्रीलंकन तमिल्स और जो इंडियन तमिल्स है, तो बोलते तो दोनों तमिल से ही लैंग्वेज है, ठीक है, भले ही अलग अलग जगह के हैं लेकिन एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों बोलते हैं तमिल्स। तो ये तमिल में हो गया, तमिल स्पीकर्स में ये दोनों काउंट हो गए, और सिन्हालाज जो कि इनका एक अलग लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो मेजोरिटी पार्ट जो लैंड है, ठीक है, जैसे कि आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सिन्हालाज है, और ये ब्राउन कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं, और ये जो येलो कलर का जो लैंड दिख रहा है, यहाँ पे कौन रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग को बताया गया है कि हाँ, जो मोस्ट ऑफ जो सिन्हाला स्पीकर्स है, ठीक है, यानी कि वो लोग जो कि सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, वो जो है बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग जो है बुद्धिस्ट होते हैं जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखिए, अब जो तमिल स्पीकिंग लोग जो होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि तमिल बोलते हैं, उसमें से कुछ लोग हिंदू होते हैं और कुछ लोग मुस्लिम हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बताया, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे भी यहाँ पे एथनिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हम लोग को कहना है कि रिलीजन के बेसिस पे भी जो एथनिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, कि जो सिन्हाला स्पीकर्स है ये बुद्धिस्ट है, ठीक है, और जो तमिल स्पीकर्स है वो हिंदू है, और कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम है। और जो यहाँ का जो 7% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका का, वो जो है क्रिश्चियंस का, यानी कि क्रिश्चियंस यहाँ पे 7% रहते हैं। अब देखिए, क्रिश्चियन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ के जो क्रिश्चियन है ये तमिल भी बोलते हैं, यानी कि कुछ क्रिश्चियन यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ क्रिश्चियंस यहाँ पे सिन्हाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, सिन्हाला स्पीकर जो हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है, और तमिल स्पीकर जो होते हैं वो कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं, जो कि पूरे श्रीलंका में 7% उनकी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ तमिल बोलते हैं और कुछ सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको जो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अभी तक जो हमने क्या कंप्लीट कर रखा है, अभी हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कोई ना कोई कंक्लूजन होगा, ठीक है, कि अभी हमने जो बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ा है और जो श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ा है, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का यहाँ पे हम लोग को दूर दूर तक नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आगे के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मेजोरिटाइज इन श्रीलंका, एकोमोडेशन,
इन बेल्जियम। तो इसमें हम कैसे मतलब जानेंगे इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे पावर शेयरिंग कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अभी आपके शुरुआत के वीडियोज़ में यहाँ पे आपको पावर शेयरिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी तक जो है हमने क्या कर लिया है, पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो कम्प्लीट कर लिया है, फिर एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का जो है हमने कम्प्लीट कर लिया, और इस वीडियो में हमने जो श्रीलंका का भी जो है एथनिक कॉम्पोजिशन कम्प्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजोरिटाइज्म इन श्रीलंका, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।